बालिनीज रामायणो समुद्र सांस्कृतिक कार्यक्रम पारुल यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग आर्ट्स फेकल्टी में योजाया हतो, जेनु आयोजन इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन्स ना सहयोग थी करवामां आव्यु हतु। तो कला अने संस्कृति नी आ अनोखी अभिव्यक्ति इंडोनेशिया स्थित जूथ द्वारा करवामां आवी हती। दशावतार अने द क्राय ऑफ सीता नाम थी बे परफॉर्मन्स रजू करवामां आव्या हता, जेमां मंगलाचरण सरस्वती वंदना बालीनू केक डांस रॉयल तीरंदाजी स्पर्धा अने संक्रावरणाम पल्लवीनो समावेश करायो हतो, जेने निहाळी हाजर सौ मंत्रमुग्ध बन्या हता। लोग यहाँ पे आए हैं, हमें यहाँ पे आने के लिए सपोर्ट किया है आईसीसी यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप। और आप सबको पता ही है पारुल यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो पारुल यूनिवर्सिटी का ये जो उन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज किया है बहुत बढ़िया है। उनका फाइनेंस फैकल्टी अभी खुला हुआ है और इट विल बी अ ग्रेट चांस फॉर द स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद द इंडियन क्लासिकल डांसर्स एंड बालीनीज डांसर्स। हमारे साथ और भी दो तीन इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं हूँ कल्पदीप से मेरा इंस्टीट्यूशन, और प्रोफेसर ई वायन दिव्या वो पद्मश्री है, उनको 2021 में पद्मश्री मिला है, उनकी कुछ कोरियोग्राफी और मैंने कुछ कोरियोग्राफी। आई वॉज वर्किंग ऑल्सो फॉर ICCR बाली में, तो मैं जब वहाँ पर रही तो मैंने देखा कि इंडियन क्लासिकल डांस और बालीनीज डांस का बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा कोरियोग्राफ करते हैं जिसमें दोनों फॉर्म जो है और दोनों देश का कल्चर एक जैसा है, तो उस कल्चर को हम स्टेज पे ले आते हैं और कुछ ऐसा नया कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे एक बॉन्डिंग बने दोनों देश में। तो उस इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमारी ये रामायण के ऊपर एक कुछ प्रोडक्शन हमने बनाया है, और जो हमने इससे पहले अयोध्या में परफॉर्म किया है रामनवमी पे, और अभी हम लोग यहाँ पे पारुल यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रहे हैं।